प्रश्नावली 2.2 भिन्न व दशमलव के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 7.1 विषय के बारे में और उसकी प्रश्नावली के बारे में वीडियो बनाए थे। उम्मीद है शायद पसंद आया होगा या सुन आया होगा। अब आज बात करते हैं 2.2 की। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो है गुणा का इन्हीं का, और गुणा करके चित्र के रूप में उन्हें व्यक्त करना है। चित्र वालों को इनमें बताना है कि किस तरह से बट्टा को हम दर्शा सकते हैं। तो हो सकता है वो अपने आप करें और यही आपका होमवर्क होगा, और उम्मीद है कर लोगे। यदि नहीं सुना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस प्रकार है कि निम्न संलिखित संख्याओं जो कि 10 संख्याएं हैं उनको गुणा करना है और उन्हें मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। 10 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन मैं करूंगा और बाकी आपको खुद करना है। देखिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है 7 × 3/5। तो सबसे पहले ये याद रखें आप कि यदि किसी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं है तो वहां आप 1 लगा सकते हैं, चाहे वो जोड़ बाकी गुणा या भाग हो, ठीक है। इनमें किसी के पास भी एक संख्या में बट्टा में कुछ नहीं है तो वहां आप बट्टा में 1 लगा सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखनी है कि गुणा हमेशा ऊपर वाली संख्या का होगा, यानी ऊपर ऊपर वाली संख्या से गुणा होगी और नीचे नीचे वाली संख्या से गुणा होगा हमेशा। और यदि मान लीजिए कोई संख्या डिवाइड होती है तो उन्हें आप छोटे रूप में लिख सकते हैं, यानी कि एक ही पाड़े से यदि वो कटती है। तो देखिए जैसे 7 × 3/5 था तो मैंने यहां बट्टा 1 लगा दिया 7 के, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी 7/1 × 3/5। अब ये क्या करना है, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करना है और नीचे नीचे वाली संख्याओं को गुणा करते हैं। जैसे 7 को 3 से और 1 को 5 से। अब 7 को 3 से गुणा करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 21, 7 के 21, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 5 × 5। अब इन्हें मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि 5 का हम भाग लगाएंगे, यानी नीचे वाली संख्या का भाग लगाते हैं। यहां संख्या से बड़ी हो या छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाली संख्या का ही भाग लगता है हमेशा ऊपर वाली में। 5 का भाग लगाएं 21 में तो 20 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, यानी कि 4 बार भाग चला जाएगा और 1 बच जाएगा शेष। आगे दशमलव में लगाना नहीं है। अब इन्हें लिखना कैसे है मिश्र भिन्न के रूप में वो ध्यान से देखें। जो भागफल गया है वो सबसे पहले लिखेंगे यहां भागफल, उसके बाद में ये जो संख्या है जिसका हमने भाग लगाया है वो नीचे लिखी जाएगी, यानी हर वाली संख्या, और शेष जो है वो ऊपर लिखा जाता है। याद रखें भागफल पहले, भागफल, शेषफल और भाजक, यानी जिसका हमने भाग लगाया था। तो 21/5 को मिश्र भिन्न में इस प्रकार लिख सकते हैं 4 × 1/5, याद रखेंगे। चलिए फॉर्मूला बना देता हूं मैं, यहां क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखते हैं भागफल, यहां ऊपर लिखते हैं शेषफल जो शेष बच जाता है वो, और नीचे लिखते हैं जिसका हमने भाग लगाया था यानी कि भाजक। इस फॉर्मूले से हम मिश्र संख्याओं को लिख सकते हैं, उम्मीद है समझ आया होगा। अब बात करते हैं देखिए क्वेश्चन अलग दूसरा जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पहला और छठा, छठा क्वेश्चन जो है 5/2 × 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वहां बताएं, 5/2 को तो वैसा ही रखें और 6 के नीचे कुछ नहीं है तो वहां क्या लगाएंगे 1, तो 6/1। अब इन्हें आपस में गुणा करते हैं, आपस का मतलब ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा में और नीचे नीचे वाली संख्या गुणा में। तो ऊपर 2 हो जाएगा 5/6 और नीचे हो जाएगा 2/1। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 30 और नीचे 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। अब 2 का भाग लगाएंगे 30 में, 2 का भाग जब 30 में लगाते हैं तो शायद आपको पता ही होगा पूरा पूरा चला जाता है तो ये मिश्र संख्या नहीं बनेगी। तो ऐसा भी हो सकता है यदि पूरा पूरा नहीं जाए तो मिश्र संख्या के रूप में लिखो, और यदि पूरा चला जाए तो सीधा उसे उतना ही लिखना है। इसके बाद चलिए एक सवाल और करते हैं हल हम, नौवा। और नौवा क्वेश्चन है 13 × 1/3। तो सबसे पहले हम 13 के नीचे 1 लगाएंगे, फिर ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे 13 × 1 और नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे 3 × 3, यानी कि 3 × 1 या 1 × 3।
13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। अब 3 के पाड़े में 13 पूरी पूरी बार नहीं जाता है, इसलिए उसका भाग लगाएंगे। सॉरी, ये है क्वेश्चन नंबर 9। 13 × 1/3, 13 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगाया, फिर आपस में ऊपर वालों को ऊपर से गुणा किया तो 13 × 1 = 13, और 3 को 1 से किया तो 3 × 3। अब भाग लगाएंगे 3 का 13 में, 3 के पाड़े में 13 से छोटी संख्या हो जाती है 12, जो कितनी बार जाएगी? 4 बार। शेष कितना रहेगा? देखिए, शेष रह जाएगा आपका 1। अतः इन्हें मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे भागफल। भागफल कितना था, कितनी बार भाग गया था? 4 बार, तो वो हो जाएगा 4। उसके बाद में ऊपर क्या लिखेंगे? शेषफल। तो शेष कितना है? 1, तो ये लिखेंगे हम ऊपर 1, और फिर नीचे लिखेंगे भाजक। भाजक का मतलब जिसका हमने भाग लगाया था, और कितने का भाग लगाया था? 3 का, तो ये हो जाएगा 3। तो 4 से ही 1/3 हो जाएगा आपका आंसर, ये इसी का ही है। तो ये है सरल सवाल, 3 क्वेश्चन मैंने किए हैं, बाकी 7 क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, पहला दूसरा भी आपको करना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे वाले सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अभ्यास करें, नहीं समझ आए तो पूछें, और समझ आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।